विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से गुजरात दंगे पर दिए गए बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी और तेजस्वी पर लगातार हो रहे वार पर पलटवार करते हुए उन्होंने गुजरात दंगे का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी नीति देश में नफरत और दंगे फैलाने की रही है, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। उनको यह समझने की जरूरत है कि देश बचेगा तभी राजनीति बचेगी। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है जो नरेंद्र मोदी भूल चुके हैं। उन्हें आज भी लगता है कि वो गुजरात में दंगे कराने वाले मुख्यमंत्री हैं।